विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अपने लिए नहीं तो अपने पुत्र के लिए एक बार देवी मनसा की पूजा कर लीजिए ना। सोचिए मत स्वामी, सोचिए मत। आप देवी मनसा की पूजा कीजिए, अन्यथा अपने पुत्र के साथ साथ आपकी पत्नी भी अपने प्राण त्याग देगी। क्या वो आप अपने हट और अहंकार का त्याग करेगा? देवी मनसा, अंततः आप विजयी हो ही गई। सत्य है, आप विजयी हुई देवी मनसा। नहीं, चंद्रधर नहीं बदला है, ना ही उसने अपने हट का त्याग किया है और ना ही अपने अहंकार का। परंतु मैं नहीं हारा, मेरी भक्ति नहीं हारी। आप विजय हुई, मेरे पुत्र को छीनने में विजयी हुई आप, किंतु मेरे विश्वास की पराजय नहीं हुई। वो तो तभी होगी ना जब मैं आपको देवी रूप में स्वीकार कर आपकी पूजा करूंगा, जो कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो एक ही प्रभु हैं, एक ही आराध्य है, मेरे प्रभु महादेव, मेरे प्रभु महादेव, और उनके सिवा और कोई नहीं। और यदि उनका कोई सच्चा भक्त है तो वो मैं हूं, चंद्रधर, चंद्रधर। जिसे अपने परिवार से प्रेम नहीं वो ईश्वर से क्या प्रेम करेगा और कैसे उनकी भक्ति करेगा? वो स्वयं को कैसे भगवान का सबसे बड़ा भक्त बुला सकता है? और मेरे प्रभु अवश्य अपने महानतम भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। यदि मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी कर दूं, मेरे शिव शंभु उसे अवश्य लौटाएंगे, अवश्य लौटाएंगे। ऐसा अटूट विश्वास है मुझे मेरी भक्ति की शक्ति में। पुत्र लखेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारी की जानी चाहिए। व्यर्थ था वो सब जो मैंने किया। चंद्रधर को मैंने समझाया, अनुरोध किया, पीड़ा दी उसे, सब कुछ छीन लिया उसका, किंतु उसे उसे क्या प्राप्त हुआ? ना मुझे देवी पद प्राप्त हुआ और ना पुत्री बेहुला को वो सुख जिसके वो योग्य है। सत्य तो ये है, वो बेहुला जिसको मुझ पर विश्वास था, मैंने उसका विश्वास भंग किया है।
उसके विवाह के प्रथम रात्रि पर, प्रथम रात्रि पर ही मैंने उससे उसका पति छीन लिया, उसका सुहाग छीन लिया। क्यों किया मैंने ये सब? क्यों किया? अनुज तुम ही बताओ अनुज गणेश, मैंने ऐसा क्यों किया? माता का द्रोह, आप ही बताइए मैंने ऐसा क्यों किया? देवी पद पाने के लिए ना? देवी पद देवी तो मैं बनना ही नहीं चाहती थी माता, नहीं चाहती थी मैं देवी बनना। मैं तो केवल अपने माता पिता और अपने परिवार का स्नेह पाना चाहती थी। पिताश्री महादेव ने मुझे चुनौती दी, मुझे देवी पद प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब मुझे विश्वास हो गया है माता कि देवी पद की अधिकारी मैं नहीं, देवी रूप में मेरी पूजा होनी ही नहीं चाहिए। दीदी मनसा, आप सही नहीं समझ रही हैं। थोड़ा धीरज रखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है उसे उजागर तो होने दीजिए। बिहुला की जन्म कुंडली मैंने देखी है, असाधारण है वो। अवश्य ऐसा कुछ करेंगी जो संसार के लिए उदाहरण बनेगा। असाधारण है वो जो पत्थर की मूरत बनी बैठी है, जिसकी इस दशा का उत्तरदायित्व मेरा है, जो मुझसे घृणा ही करती होगी वो क्या कुछ करेगी अनुज गणेश? बहुत हुआ अनुज गणेश कहना सुनना करना, अब कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं बनना मुझे कोई देवी, नहीं करवानी मुझे अपनी पूजा। अब तो यही उचित है कि मैं अनंत काल के लिए ध्यान में ही चली जाऊं। नहीं गणेश, मुझे रोकने का प्रयास मत करना। और ध्यान रहे, मेरे ध्यान में कोई बाधा मैं स्वीकार नहीं करूं। दीदी मुझे विश्वास है बिहुला अवश्य कुछ करेंगी, संसार को देवी मनसा के आशीष की आवश्यकता है। क्या पार्वती नंदन, अब क्या करेगी वो? जो उन्हें करना चाहिए, किंतु उसके पहले मुझे वो करना है जो मुझे करना चाहिए। गजानन महाराज, कोई कुछ कहता क्यों नहीं? आपने अपने गजानन महाराज को देखा? मैं यहाँ हूँ साहा जी। ओम गम क्षीप्र प्रसाद गजानन महाराज, गजानन महाराज मेरी पुत्री, आपने तो कहा था। उनके पति के साथ वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा था, किंतु अब वो होगा जो बिहुला के भाग्य में लिखा है। अखंड सौभाग्य है उनके भाग्य में, जिसके लिए वो कुछ ऐसा करेंगी जो आश्चर्यजनक होगा, अविश्वसनीय होगा। कठिनाई मनुष्य से वो कराती है जिसकी वो स्वयं कल्पना भी नहीं कर पाता। अब जीवन के इस पड़ाव से आपकी पुत्री के महान और पूजनीय बनने की यात्रा आरंभ होगी। बस वो जो करेंगी उसमें आपको उनका सहयोग करना होगा।
भाग्य स्वीकार करो पुत्री, ये सारा श्रृंगार तुम्हें शोभा नहीं देता। अब देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए, फिर अपने श्वसुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। नहीं, नहीं। ये क्या दशा हो गई है मेरी पुत्री की? इनके भाग्य में तो पति धर्म परायणा लिखा है। मन करता है तुम्हारे श्रृंगार के लिए सुंदर पुष्प चुन चुन कर लाता रहूं और हर दिन अपने हाथों से तुम्हारे केश सजाऊं। पुत्री, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, अब झूठ बोल रही है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। चंद्रधर, अर्थी तैयार हो चुकी है। मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी इन्हें। पुत्री, मैं तुम्हारी अपार पीड़ा को समझ सकती हूँ, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग ना उतरा हो, लग्न की हल्दी का रंग ना छूटा हो, उसके हृदय की व्यथा क्या होगी, उसे कैसा लग रहा होगा। परंतु पुत्री, जो भाग्य जो नियति है उसे स्वीकार करना होगा। तुम सुहागन नहीं हो पुत्री, तुम्हें ही श्रृंगार त्यागना होगा। मेरे भाग्य में अखंड सौभाग्य है और मुझे वही स्वीकार है। मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, कहीं नहीं। पुत्री, हम अब लखेंद्र को यहां नहीं रख सकते, उसे लेकर जाना होगा अंतिम संस्कार के लिए। मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें स्मरण नहीं? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, और अब उसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो। मुझे ज्ञात है मित्र साहब कि मैंने क्या कहा था, पर जो अमर है वो तो आत्मा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इस पार्थिव शरीर को तो उसका सम्मान देना होगा ना मित्र, अंतिम संस्कार करना होगा ना मित्र। किंतु उसके लिए तो उचित विधि विधान का पालन भी तो करना चाहिए। सर्पदंश से जिनकी मृत्यु होती है उन्हें लेकर यह मान्यता है उनके देह को अग्नि को नहीं सौंपा जाता, केले के खंभे के नाव पर बांधकर
नदी के जल में बहा दिया जाता है। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझे विश्वास है मेरी पुत्री बिहुला के भाग्य में अखंड सौभाग्य। जब तक आस है तब तक श्वास है। अपनी आशा को कदापि नहीं त्यागना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या मेरे प्रभु महादेव फिर इस रूप में मेरी सहायता करने आए हैं? सत्य कहा गजानन महाराज ने, आस है तो श्वास है। उचित है, मैं अपना विश्वास भंग नहीं होने दूंगा। इस आस से अपने पुत्र को विदा करूंगा कि वो जीवित होकर फिर से हमारे पास लौट आए। पिताजी, मैं भी जाऊंगी इनके साथ। नहीं पुत्री, तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। मां, यदि देवी सुमति अपने पति को स्वयं से विलग होने से रोक सकती थी, सूर्यदेव से यह प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हूँ। देवी सावित्री जी स्वयं यमराज के पीछे चली गई जिससे वो अपने पति के साथ रह सके, तो मैं अपने पति के साथ क्यों नहीं जा सकती? इसमें क्या अनुचित है? मुझे उनके साथ जाने की अनुमति दीजिए माँ, अनुमति दीजिए पिताजी। चोट पत्नी को लगे या पति को, पीड़ा तो दोनों को ही होती है। और तुम्हें कष्ट होता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं जी, मैं सहायता करूँगी मैं जी। क्योंकि मुझे ज्ञात है मैं किसी दुर्भाग्य का सामना करती तो मेरे पति मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। क्षमा करो पुत्री, किंतु जो तुम चाहती हो मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। क्यों अनुमति नहीं दे सकते पिताजी? सात फेरों के साथ साथ सात वचन भी लिए हैं। उनमें से एक वचन है, सुख हो या दुख, दोनों ही परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना। पिताजी, ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाने से मुझे वंचित मत कीजिए। अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। क्यों चंद्रधर, उसने भी कहा ना, यह उसका कर्तव्य है, उसे निभाने दो, उसमें बाधा मत बनो मित्र। मुझे मेरी पुत्री पर अटूट विश्वास है, जो करेगी उचित करेगी। उसे आज्ञा दे दो। देव तुम्हारी रक्षा कर। अब चिंता मत कीजिए पिताजी,
मैं प्रण लेती हूँ कि अपने पति को जीवित कराकर आप लोगों के पास वापस लेकर आऊंगी। कल्याण हो बिहुला, प्रण पूर्ण हो आपका। स्मरण रखिएगा, पहली बार भेंट करते समय मैंने क्या कहा था आपको। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा। हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे माँ, देव का नहीं देवी का नाम ले रही है पुत्री बिहुला। व्यक्ति के निश्चय में इतनी शक्ति होती है कि वो सब कुछ बदल सकता है।